वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप सबके लिए अपने व्लॉग में अपनी वीडियो में लेके आई हूँ भवलक्ष्मी व्रत के बारे में। आपने ये व्रत बहुत जन के मुंह से सुना होगा, पर अभी भी ना बहुत सारे जन के मन में कंफ्यूजन होता है कि व्रत हमें कैसे करना चाहिए, क्या इसकी विधि होती है, किस किस नियम का हमें पालन करना चाहिए। तो वो सब मैं आज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और सरल विधि से बताऊंगी, ताकि ये भवलक्ष्मी व्रत आप लोग कोई भी कर सकते। तो फ्रेंड्स, भवलक्ष्मी व्रत ना बहुत ही इजी होता है, बहुत माने बहुत इजी होता है। आप इसको फलिहार के साथ भी कर सकते हो। अगर आप में शक्ति हो तो आप सिर्फ एक टाइम खाना खा के कीजिए, नहीं हो तो एकदम भी होते है ना माने फल कुछ खा के करने, वैसे भी आप कर सकते हो। अगर आप में शक्ति नहीं है तो आप शाम को पूजा वूजा करने के बाद रात को खाना खा के कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा वीकनेस है, बीमारी चल रही है, नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो, तब आप दोपहर में एक बार फलियार करके और रात को एक बार खाना खा के भी भवलक्ष्मी व्रत कर सकते हो। ये बहुत बहुत इजी व्रत है। और आप बिलीव कीजिए, मैं जब बहुत छोटी थी ना, माने क्लास 3 या 4 में थी, तब सबसे पहले मैंने, मेरी फ्रेंड अर्चना ने, हम लोग ने ये व्रत हमारे पेरेंट्स के लिए किया था। और मैंने बहुत बार ये व्रत किए, 9-10 बार से भी ज्यादा, 21-21 भवलक्ष्मी व्रत करके किए हैं। और आज तक जो भी मैंने माता रानी से मांगा है ना, माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया है। अभी भी मैं ये व्रत वापस कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरे 10 व्रत हो भी चुके हैं, 11वां करना है मुझे, 21 करने, तो फिर मैं उद्यापन करूंगी। चलिए हम बातों को बताते हैं कि भवलक्ष्मी व्रत कैसे करना चाहिए। ये व्रत शुक्रवार को करते हैं, सुबह से ही आप नहा धो लीजिए। और हमारे समाज में तो माने हमारे कास्ट में तो जो भी व्रत जिस दिन करते हैं ना, थर्सडे को छोड़ के हर व्रत में हम लोग सर धोते हैं, शैम्पू जरूर करते हैं। आज भी फ्राइडे है, मैंने व्रत रखा है तो शैम्पू वगैरह मॉर्निंग में कर लिया था, शाम को भी पूजा भी मैंने कर ली है। तो पूजा कैसे करनी चाहिए वो भी मैं आपको लास्ट की वीडियो में दिखा दूंगी, किस तरीके से हमें उसको सजाना चाहिए। तो भवलक्ष्मी व्रत की किताब आती है, इस टाइप की किताब होती है वो भवलक्ष्मी व्रत की, बहुत ही इसी तरीके से इसमें सब कुछ दिया है, मैं आपको समझा देती हूँ। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जवाब दे दूंगी। इसके पीछे ऐसे श्रीयंत्र बना हुआ है, यहाँ पे 3 देवियां हैं, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, और ये लक्ष्मी जी का श्रीयंत्र है। सबसे पहले इस यंत्र को हमें माथा टेक के इस तरीके से प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट में 8 लक्ष्मी जी के स्वरूप होते हैं, धन लक्ष्मी माँ, गज लक्ष्मी माँ, श्री यंत्र वापस है, अधिलक्ष्मी माँ, विजय लक्ष्मी माँ, ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, वीर लक्ष्मी माँ, संतान धान्य लक्ष्मी माँ, लास्ट में है संतान लक्ष्मी माँ। ये लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप होते हैं, इनको सबसे पहले हमें माथा टेकना है। और इनके नीचे ये जो श्लोक लिखे हुए रहते हैं ना, सबसे पहला श्लोक मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। हे धनलक्ष्मी भव लक्ष्मी माँ, आप जैसे शिला की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हम सब की मनोकामना पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करना। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ भव लक्ष्मी, इस तरीके से 8 स्वरूपों में बोला हुआ। जैसे हे गज लक्ष्मी माँ, आप जैसे शिला पर प्रसन्न है, वैसे हम सब पर प्रसन्न होना, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसी तरीके से हमें 8 लक्ष्मी जी के स्वरूप है उनमें बोलना है। उसके बाद में ये श्रीयंत्र को सबसे पहले प्रणाम करना है। भवलक्ष्मी व्रत के नियम ना इस पेज में बहुत इजीली सब लिखे हुए हैं कि सौभाग्य स्त्रियां करें उनका अति उत्तम फल मिलता है। घर में यदि सौभाग्य स्त्री ना हो तो कोई भी कुंवारी लड़की भी कर सकती है, बहुत फर्क मिलता है। या स्त्री ना हो तो पुरुष भी कर सकते हैं, लड़के लोग भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। बात ये भवलक्ष्मी व्रत की कथा आती है, देखिए यहाँ पे फोटो भी दी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। भवलक्ष्मी व्रत की कथा है, कथा मैं थोड़ी सी आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे एक शहर रहता है, उसमें लाखों लोग रहते हैं, वो पहले जमाने के लोग एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप भी अलग होता है, सब अपने अपने काम में रत्न रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं होती है। इसी तरीके से इस शहर में एक शीला नाम की लड़की थी, उसके हस्बैंड गलत संगति में पड़ के ड्रिंक करने लग गए थे, जुआ खेलने लग गए थे, कर्ज में फंस गए थे, सुख शांति बहुत घर से एकदम चली गई थी, मारना पीटना सब कुछ होने लगा। लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए लक्ष्मी जी उसको रास्ता दिखाने के लिए दोपहर को एक दिन उसके घर में अचानक से आई और उसको भवलक्ष्मी व्रत के बारे में सब विधि सब कुछ बताया। उसने पूरे श्रद्धा भावना से 21 भवलक्ष्मी व्रत किया और भवलक्ष्मी व्रत का उद्यापन भी किया। करने से उसको तुरंत फल मिला, उसका पति जो गलत रास्ते पर चला गया था वो पति उसका वापस आ गया और बहुत अच्छे से कड़ी मेहनत करके सब कुछ अच्छे से करने लगे, उसके गिरवी रखे गहने छुटा दिए
और माता रानी के आशीर्वाद से उसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी होने लग गई। इस तरीके से शीला ने पूरे 21 भैवलक्ष्मी व्रत किए। उस 21 भैवलक्ष्मी व्रत के प्रभाव से शीला को तुरंत आशीर्वाद मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पर चढ़ गया तो वो अच्छा आदमी बन गया, मेहनत करने लगा और माता रानी के आशीर्वाद से ना उसको ज्यादा फायदा होने लग गया। इस चीज को देख के शीला के आसपास में जितने भी और लेडीज लोग थे ना उन्होंने भी फिर भैवलक्ष्मी व्रत किया। भैवलक्ष्मी व्रत के बहुत सारे चमत्कार भी इस किताब में दिए हुए हैं, वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। जैसे लगातार दिए हुए देखिए भैवलक्ष्मी व्रत के फर्स्ट लॉटरी लगी, कैसे लॉटरी लगी ये बुक आप लीजिएगा, बुक को पढ़िएगा, बहुत माने मन से एक संतुष्टि मिलेगी, एक भगवान के प्रति आस्था आ जाएगी। फर्स्ट ये है। सेकंड, खोए हुए बच्चे को वापस मिला कैसे, चोरी हुए गहने वापस मिले कैसे, एक एक भक्त के साथ एक एक चमत्कार हुए, वही चमत्कार इस किताब में दिए हुए हैं। बिजनेस अच्छा कैसे अच्छा चलने लग गया, उसके बाद है अच्छी नौकरी मिल गई, फिर एक सुख शांति मिली, फिर एक खोया हुआ बच्चा वापस मिला, उसके बाद है लड़की की शादी हुई। ये 8 चमत्कार भैवलक्ष्मी व्रत के बारे में बताए गए हैं इस किताब के अंदर। एक किताब के अंदर आपको बहुत बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताया गया है। आप व्रत करने से पहले सबसे पहले इस किताब को खरीदिएगा और इसको एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। जब आप रीडिंग कर लोगे ना, मैंने पढ़ लोगे, तब आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। और मैं वीडियो में भी बता दूंगी कि कैसे पाटे पे लक्ष्मी जी का पूजन की विधि किस तरीके से करनी है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। सब कुछ पढ़ने के बाद आरती कर लेंगे। आरती करके 11 बार जय मां लक्ष्मी रटत करेंगे। व्रत में ना हमको किसी की भी चुगली नहीं करनी है, दूसरे के घर का पानी खाना कहीं पे भी नहीं लेना है। और एक व्रत को अपने ही घर से स्टार्ट करो ना तो सबसे अच्छा हो माना जाता है। अपना घर मतलब ये नहीं कि हमारा खुद का खरीदा हुआ घर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप रेंट पे रहते हो तो भी आप ये व्रत कर सकते हो। मैं भी जब छोटी थी पापा के घर रेंट पे रहती थी तभी करते थे, फिर पापा के फ्लैट के लिए किया तो पापा का फ्लैट भी हुआ, सब कुछ हुआ, हस्बैंड के लिए किया, बहनों की शादी के लिए किया, डुब्बू के लिए किया, सब कुछ धीरे धीरे मुझे मिला। पर टाइम लगता है, आपकी सोच अच्छी होगी ना, आपकी मांग अच्छी होगी तो ईश्वर आपको जरूर देगा। और एक बात, ये व्रत का फल अगर आपको फर्स्ट टाइम पे नहीं मिलता है, कोई कारण से हो गया, हमने बहुत बड़ी मन्नत मांगी है, हो सकता है हमें नहीं मिले, तो 3 महीने बाद आप ये व्रत वापस से शुरू भी कर सकते हो। और जब पीरियड होंगे तब हम ये व्रत उस हफ्ते को छोड़ देंगे, अगले हफ्ते से फिर से करेंगे। और हाँ, कभी हमें कोई बाहर जाना है, अचानक से शादी हो गई कि हमें पापा के घर जाना है या ससुराल जाना है, कुछ भी हो, तो भी ये व्रत छोड़ के फिर दोबारा से अपने घर जाके कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लास्ट में आरती करने के बाद फिर ये महालक्ष्मी जी की स्तुति लिखी हुई है। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते, तवन विष्णु प्रिय शक्ति दायिनी महालक्ष्मी नमस्ते, दुख भंजनी श्रेय प्राप्ति नमिताय महालक्ष्मी नमामहे, प्रतितो द्वारिणी देवी नमामहे पूर्ण पूर्ण। इस टाइप से ये पूरा पेज की एक महालक्ष्मी जी की स्तुति है, ये भी हमें पढ़ लेनी है। फिर लक्ष्मी जी की महिमा दी हुई है। फिर एक विष्णु भगवान का छोटा सा 4 लाइन का मंत्र है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। विष्णु प्रिय नमस्तु भयमे, नमस्तु भयमे जगदात्रे आत्र हात्रे, नमस्तु भयमे समुद्र करू मैं सदा, नमो नमस्तु ते मामाय श्रीपीठे सुरपूजे ते सचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तु ते। इसके बाद हम लक्ष्मी सवतन का पाठ करेंगे, वो इस टाइप से है। जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्ण कृत्य वाली है, जो अश्वतेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी और अतिशय पूज्य वाली है, वैसे ही लक्ष्मी देवी आप मेरे मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बता देती हूँ कि पूजन के लिए हमें किस तरीके से पाटे पे लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा सजानी है। तो सबसे पहले हम पाटा, एक चौकी या पाटा ले लेंगे, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा या पेपर बिछाएंगे, फिर चावल का छोटा सा ढेर करेंगे, उसके ऊपर तांबे से भरा हुआ पानी का कलश रखेंगे, उस कलश के ऊपर एक कटोरी उसमें सोने का या चांदी का गहना रखेंगे, नहीं हो तो आप नगद रुपया भी रख सकते हो। और गणेश जी लक्ष्मी जी सबके पास होते हैं, वो लक्ष्मी रखेंगे। और मैंने प्रसाद में खीर बनाई है, आप कुछ भी बना सकते हो, वैसे खीर ही बनानी चाहिए क्योंकि लक्ष्मी जी को खीर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है। और घी का दीपक जलाना है, अगरबत्ती धूप सुलना करनी है। और देख लीजिए, मैंने गुलाब का फूल चढ़ाया है, गुलाब का, कमल का, जवा का, तीनों में से कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हो। और बहुत ही इजी तरीके से मैंने पूजा की, और ऐसे यही वाली पूजा होती है सिंपल तरीके से, और इसका तुरंत फल मिलता है, ये बहुत अच्छी तरीके से होती है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से मैं हमेशा शुक्रवार को पूजा करती हूँ।
आज मैंने आप सबको बताया कि भैवलक्ष्मी व्रत कैसे करते हैं, क्या नियम है, किस तरीके से करते हैं। आप इसको 7 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, 21 कर सकते हो, 51 कर सकते हो, 101 कर सकते हो। मैंने हर बार 21 करके ही किया है और मेरी मनोकामना हमेशा पूरी हुई है और आप सबकी भी होगी, मुझे विश्वास है। फ्रेंड्स, व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत की पूजा की विधि क्या होती है वो मैंने आपके साथ शेयर की, बट व्रत की उद्यापन विधि कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने जो व्रत किए हैं, जितनी मन्नत मांगी, आपने 7 की मन्नत मांगी, 11 की मांगी या 21 की मांगी, आप उतने माने 7 मांगी है तो 6 व्रत कर लीजिए, 11 मांगी है तो 10 व्रत कर लीजिए, 21 मांगी है तो 20 व्रत कर लीजिए। लास्ट का जो व्रत होगा उस व्रत में आप खीर बनाइए और एक नारियल श्री जिसको बोलते हैं नारियल भी ले आइए पानी वाला, उसको बदारना है हमारे माता रानी के सामने, उनकी चुटकियां निकाल ले रही है लेनी है। 7, 11 या 21 सौभाग्य स्त्री को कुमकुम वगैरह का तिलक करके उनको खाना खिलाना है या खीर खिलानी है, उसके बाद उनको ये उपहार में देंगे, उनके पैर छूके उनके आशीर्वाद लेंगे तो हमारा भैवलक्ष्मी व्रत का उद्यापन इस तरीके से संपूर्ण हो जाएगा। और आप यकीन मानिए आपको 3 महीने के अंदर इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये बहुत ही सौभाग्यशाली अच्छा व्रत होता है, सुख शांति देता है, समृद्धि देता है, कुंवारी लड़कियों को मन भवन पति देता है, जिसको संतान न उसे संतान प्राप्ति होती है, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूरी पूजा कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद हमें सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है माता रानी से कि माँ मैंने आपको इस इच्छा के लिए अपना ये भैवलक्ष्मी व्रत किया है, माँ हम सबकी हमारी मनोकामना पूर्ण करना, जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भवन पति देना। आपका ये भैवलक्ष्मी व्रत जो कोई भी करे पूरे प्रेम और श्रद्धा भावना से उस व्यक्ति की, उस मनुष्य की आप हर मनोकामना, हर इच्छा पूर्ण करना। जय मां धनलक्ष्मी, जय मां भैवलक्ष्मी।